हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। इस समय परीक्षा की तैयारी आप जोरों पर लगी होगी और आप तैयारी कर भी रहे होंगे, और भगवान करे आप सभी अपने मिशन में कामयाब हो और बेहतर परिणाम लाए। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा इस तैयारी के साथ साथ इस विशेष बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी तरह से पूर्ण होने के बाद भी यदि आप OMR सीट को भरते समय यदि थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपकी जो OMR सीट होती है उसका मूल्यांकन नहीं होने पाएगा। इसलिए आपको OMR सीट भरने के पूर्व एक पिछले पेज पे, दो पेज का होगा, पेज नंबर फर्स्ट ये होगा जो आपको सामने दिख रहा है और पेज नंबर टू ये होगा, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद आपको OMR सीट भरनी है। यदि OMR सीट को भरते समय आप कोई गलती करते हैं या कोई चूक करते हैं, उसमें वाइटनर का प्रयोग करते हैं, ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो आपका OMR सीट नहीं जचेगा, माने आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होने पाएगा। हो बेशक आप पास हो, क्वालिफाई हो, आप 150 में 149 मार्क या 150 के 50 पूरे मार्क क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रवेश पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि आप OMR सीट पे यदि मोड़ते हैं, टेढ़ा करते हैं, या किसी तरह से ब्लेड लग जाता है, फट जाता है, या आप व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस दशा में आपको अब पढ़ाई के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि OMR सीट को कैसे भरा जाए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके इतने पूरे कैरियर पे एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर सकती है। इसलिए इस प्रश्नचिन्ह को हटाने के लिए आप OMR सीट को आप घर पे भरना सीख लें। इसके लिए मैं आपको मेरे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश अथवा मेरे टेलीग्राम पे जाके दुर्गेश सर सर्च करके, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो जाके वहाँ से OMR सीट डाउनलोड करके आप कुछ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपनी जो मेन गलती होती है उसे सुधार कर लें और एक से दो बार इस OMR सीट को भरे, ताकि गलती होने की संभावना ना के बराबर हो और आपका रिजल्ट किसी प्रकार से रुकने ना पाए या उस पर चिन्ह ना लगने पाए। दोस्तों, अब चलते हम लोग अपनी प्रक्रिया पे, OMR सीट को कैसे भरा जाएगा। OMR सीट भरने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये करना होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट OMR सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, उस प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर दिया गया होगा, उस रोल नंबर को देख और होगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे देखिए, एक रोल नंबर का कॉलम यहाँ पे है, और ये तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेन से इसमें जो सामने ये नंबर दिया गया इसमें रोल नंबर अपना भर देंगे। जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने 10 अंकों का अगर रोल नंबर है तो आप यहाँ क्रम से पहले उस पर लिख दें अपना रोल नंबर। लिखने के बाद फिर जैसे अगर यहाँ 3 लिखा गया है मान लीजिए, तो उसके नीचे आपको 3 वाले कॉलम में इसको क्या करना होगा, गोला करके कलर करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर आप रोल नंबर लिख लीजिएगा, फिर उसके नीचे जिस जिस कॉलम में होगा छोटी छोटी बिंदी दे दीजिएगा, जैसे 5 है 5 के नीचे 5 पे, 9 है तो 9 के नीचे 9 पे, फिर हल्की हल्की बिंदी रहेगी। एक बार मिलाने के बाद फिर आप उसे यदि गोला करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, वरना जल्दबाजी में आपका अगर गोला गलत भरा गया तो आपकी बुकलेट नहीं जचेगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में सॉल्व करने से पहले पेपर आपको इस बात को देखना है कि आपका बुकलेट गलत ना होने पाए। उसके बाद इसको पूर्ण करने के बाद आपको बगल में देगा यहाँ पे बुकलेट नंबर। तो बुकलेट नंबर क्या होता है, यह जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उस पे बुकलेट नंबर होता है 7 अंकों का, कभी 6 अंकों का, कभी 5 अंकों का, अलग अलग बनाया जाता है, लेकिन लगभग 7 अंकों का बुकलेट नंबर होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे बुकलेट नंबर डालेंगे, बुकलेट नंबर भरने के बाद उसी के क्रम में जिस तरह से भरा गया उसी के ठीक नीचे नीचे क्या करेंगे, उसको कलर करेंगे। जिसके नीचे से 5 है तो 5 के नीचे 5 का, 3 है 3 के नीचे 3 का, जितना भी है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे का कॉलम जहाँ पे 3 है 3 को कलर करेंगे। और गोला करते समय, जैसे तो मेरा मोबाइल पे टच होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको जिस गोले में है उस गोले के बाहर आपका नहीं जाने पाए, अन्यथा कापियां आपकी भी नहीं जचेंगी। फिर बुकलेट डालने के बाद यहाँ पे पेपर कोड होता है, तो जैसे ये मैंने बनाया है प्रारूप मॉडल, तो आप बनाएंगे तो हो सकता है जहाँ पे यह पेपर कोड दिया है यहाँ पे आपका दे दे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो क्योंकि सेम ही बुकलेट, यहाँ बुकलेट नंबर उठा के यहाँ पे कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे दे देगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे दे देगा रोल नंबर, सेम प्रोसेस यही रहेगा। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, जहाँ पे ये दिया है पेपर कोड यहाँ पे रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको भरना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखने के बाद अंकों में उसके नीचे 5 है तो 5 के नीचे 5 पे गोला कलर, 3 है 3 के नीचे 3, 0 है तो 0 के नीचे 0, इस तरह से कलर करना है। उसके बाद आपने एक लैंग्वेज चूज किया होगा, UPTET के एग्जाम में
फॉर्म भरते समय या सीटेट के एग्जाम में उस फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज भरा होगा, किसी ने संस्कृत चूज किया होगा, किसी ने इंग्लिश, किसी ने उर्दू, तो जिस व्यक्ति ने जो लैंग्वेज का चयन किया होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे संस्कृत में यस, तो इस वाले के में यस लिख देंगे, इंग्लिश लिया है तो ई लिख देंगे, उर्दू लिया है तो यू लिख देंगे। उसके बाद लिखने के बाद उस गोले को, जैसे अगर हमने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश वाले गोले को कलर कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से इंग्लिश वाले गोला कलर कर देंगे। उसके बाद अगला आता है बुकलेट सीरीज, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे जो आपकी बुकलेट मिलती है, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस पर सबसे प्रथम पेज पे आपकी बुकलेट नंबर दी होती है। बुकलेट वैसे तो अमूमन चार सेट में होता है, ए बी सी डी, और हो सकता है गवर्नमेंट पी क्यू आर एस कर दे, हो सकता है एम एन ओ पी कर दे, हो सकता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर दे, माने ये उसके गवर्नमेंट के ऊपर है। तो जो भी देगा वहाँ पे चार बुकलेट बनती है, तो बुकलेट आईडी जो भी होगी आप इसमें भरने के बाद उसको कलर करेंगे, वैसे वो ए बी सी डी चार क्रम में बुकलेट आईडी देते हैं। तो ये हो गया आपका छोटा सा प्रोसेस इसको भरने का। उसके बाद आता है नाम लिखने का, तो यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है अपना, यहाँ इस स्थान पर, यह स्थान नीचे देगा या कभी कभी ऊपर दे देता है, इसको यहाँ पे लिखेंगे आप अपना पूरा नाम। और उस इसको भरते समय आपको केवल एक ही पेन का यूज करना है, और भी काले ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, अन्य किसी पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। अथवा अगर किसी अन्य पेन का प्रयोग करते हैं तो आपकी कॉपी साइन नहीं की जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप जो बुकलेट भरेंगे उस बुकलेट को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। और जो ये पेन होगा आपका, एक मैं बताऊंगा पेन, अभी कल मैं यूट्यूब पे आपके बता दूंगा, एक 10 रुपए की पेन रेट्रियो की पर जो रेनाल्ड थी वो आती है मोटी चलती, वह इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अब आता है कि प्रश्न के गोला करते समय क्या लिखा जाए, क्या इस तरह से गोला किया जाए। उसके लिए आप देखिएगा जो आपको मार्कशीट मिलेगा, सामने का फ्रंट पेज इस तरह रहेगा, उसका बैक, जिसका बैक पृष्ठ होगा वो इस तरह से होगा, जहाँ पे आपको सारी विधि दी गई होगी कि आपको किस तरह से कलर करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है करेक्ट मेथड और इनकरेक्ट मेथड, यहाँ पे दिया गया करेक्ट मेथड में देखिए, जो गोला अगर पूरी तरह से भरेंगे, जिस तरह बी पे इसने गोला किया है, अगर पूरा गोला करेंगे तो ही आपकी कापी साइन होगी, अन्यथा यदि आधा गोला है थोड़ा सा है, इस तरह से अगर गोला करेंगे तो आपकी कापी साइन नहीं होगी, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना। जैसे ये बी है तो बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बी को पूरा कलर करेंगे, यदि थोड़ा सा कम भी कलर करते हैं तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी, इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, जितना भी नीचे दिया गया है इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे ये कार्बन कॉपी होती है, आपकी दो कॉपी होगी। कार्बन कॉपी के लिए यहाँ से निशान बनाओ, जैसे आप बगल पे देख रहे हैं, आप लोग यहाँ से निशान या यहाँ बना रहेगा, अथवा ज़्यादातर केसेज में यहाँ पे फाड़ने के लिए रहेगा। मोड़ने के बाद आप टर्न करके जब आप बुकलेट भर लेंगे, एक कॉपी आपके पास होगी, आप फ्रंट पेज का जो मेन कॉपी होता है वो जमा हो जाएगा। अब आते हैं मेन पेज पे, ये हो गया बुकलेट भरने का तरीका। अब प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद कैसे कलर किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग होते हैं बड़े बड़े परीक्षाओं में एक गलती कर जाते हैं, गलती ये करते हैं, वो ये करते हैं सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं बुकलेट पे, उसके बाद क्रम से सोचते हैं कि मैं साथ में गोला करूंगा, इस कंडीशन में क्या होता है, वो गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं, इस तरह जब वो कलर करते हैं तो कभी कभी एक श्रेणी गलत होने के बाद वो पूरी सीरीज क्या करते हैं, गलती करते हुए चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में उनकी कॉपी जो होती है वो 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जब गलत हो जाती है तो वह मार्किंग उसकी नहीं होती। जैसे एक खाने में एक से अधिक बार अगर आप कलर करते हैं तो वह क्या होती है, अमान्य या गलत उत्तर माना जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन में जैसे चार विकल्प दिए गए हैं तो चार में से किसी एक विकल्प का चयन करके एक कहीं में गोला करना है, अगर वो गलती हो गया, अगर दूसरे में गोला करते हैं तो भी उत्तर आपका अमान्य और गलत होगा। लेकिन किंतु यूपीटेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए आपके नंबर तो माइनस में नहीं कटेंगे किंतु आपका वह क्वेश्चन नहीं जचेगा, मतलब गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही विकल्प का चयन करना है और उसे कलर कर देना है। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा में समय महत्वपूर्ण होता है, टाइम जोन, आपको 2.5 घंटे का पेपर है, आप लोग कभी कभी क्या होता है गणित या अन्य विषयों में उलझ जाते हैं और आप समय का ध्यान नहीं देते, और जब अंतिम समय आता है, जब कॉपी छीनने की बारी होता है, तब पता चला आपको इतना क्वेश्चन अभी कलर करने को बाकी है, इस कंडीशन में आपके प्रश्न छूट जाते हैं, आपसे ये गलती हो जाती है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न छूटने ना पाए, अर्थात आप तय समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इसलिए पहले क्या करिएगा, जो बुकलेट मिलेगा उसका पहले एक पेज को सॉल्व करिएगा, उसको उतना कलर कर लीजिएगा, फिर आप दूसरे पेज में बढ़िएगा, फिर उसको कलर कर लीजिएगा, इस तरह से आप बढ़ते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। जैसे आपने शुरुआत के फ्रंट पेज पहले पेज से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 20 को तुरंत कलर कर लीजिए, या 10 थे 10 को कलर करिए, इस तरह से बढ़ते जाइए और अपना सॉल्व करते जाइए। और एक बात, आप
एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके इस बात को देख लीजिएगा कि सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जिस तरह से लोग बताते हैं कि गणित के सेक्शन में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो जब गणित का जो पोर्शन आएगा उसके लिए आप क्या करिएगा, गणित के लिए आप सबसे पहले उसको लास्ट में सॉल्व करिएगा। पहले सॉल्व करेंगे तो आपका समय टूटेगा, इसलिए जिसमें आपको लगे समय आपका ज्यादा टूट रहा है उस सेक्शन को लास्ट में सॉल्व करिएगा, और जो सेक्शन आपको आता है उसे पहले सॉल्व करिएगा। दूसरी बात, आप क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नकारात्मक का प्रावधान नहीं है, इसलिए आप प्रश्नों को मत छोड़िएगा, क्योंकि यह आपके लिए बाद में परेशानी का या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। इसलिए आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और सभी के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार, बुकलेट को बहुत सावधानी से भरिएगा, वरना आपकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए OMR शीट को आप कलर करते समय एक विशेष बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप OMR शीट को गलत भरते हैं तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है मेरी कि आप OMR शीट को एक बार भरिएगा अच्छे से। और आपको OMR शीट की अगर ये कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, उस पर सर्च करिएगा दुर्गेश सर। देखिए दुर्गेश सर में जिस तरह यहाँ पे दिया गया स्पेस दिया गया, स्पेस मत दीजिएगा, एक कहीं में लिखिएगा दुर्गेश सर, आपके सामने आएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश। जिस तरह यहाँ पे जो लिखा गया ई लर्निंग विद दुर्गेश, यहाँ नीचे भी दिया गया है ई लर्निंग विद दुर्गेश, उस पर जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एक लिंक ई लर्निंग विद दुर्गेश, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे स्टडी मैटर और वहाँ पे OMR शीट मिल जाएगी। और या तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ सर्च करिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करिएगा, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको गूगल से डाउनलोड हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो कितना भी पढ़े हैं वह पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए OMR शीट को आप बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि यही है जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की परीक्षा घड़ी में एक परीक्षा घड़ी की परीक्षा है, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे, आप क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर जाते हैं। और यदि किसी भी समस्या को आपको और आगे आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताइएगा, मैं आपको उसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी टेट देना है, इसलिए मुझे भी पढ़ना है। इसलिए फोन वगैरह आप लोग ना करिएगा। और पुनः अगर कोई समस्या आपको पढ़ने में या कहीं और आती है तो उसके लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। और आपको पता होगा पिटीसी संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश सलाहकार, प्रदेश के जितने भी कार्यकारिणी है और जिले के हैं, वो सभी आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। किसी भी समस्या को आपके अगर आती है, बस आप पढ़िए, अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिए, और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं कहूँगा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो सभी प्रशिक्षकों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि यह गलती सभी के साथ हो सकती है। इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ, मतलब जितने भी व्यक्ति आपके UPTET के एग्जाम देने वाले हो, सब तक ये पहुँचाइएगा, ताकि किसी व्यक्ति से यह गलती ना होने पाए और सभी लोग और एग्जाम बेहतर दे के आएँ, क्योंकि यह उनके लिए जो OMR शीट होती है वो भरना सबके लिए अनिवार्य होता है। और इसके लिए एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को सभी तक शेयर करिएगा, बेशक आप लाइक मत करिएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति तक यह मैसेज या मेरा वीडियो पहुंचा के आप उसके लिए एक भगवान का काम करें, क्योंकि जिससे गलती हो जाती है उससे जाके दिल से पूछिए कि OMR शीट की गलतियाँ क्या होती हैं। और गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, क्योंकि एग्जाम हाल में एक साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इसलिए आप सब लोग को पुनः मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप परीक्षा के लिए अपने बेस्ट करिए। मैं पुनः कल या परसों आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच लाऊंगा, उसके बाद आप परीक्षा दीजिए और आप बेहतर करेंगे, मुझे पता है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर जरूर सफल होइएगा। जय हिंद, जय भारत।